दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ही वर्ल्ड कप जीते और रोहित कोहली वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाएं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को दिवाली जैसे शुभ मुहूर्त पर हरा कर वर्ल्ड कप से बाहर कर बटलर ने जो कहा ना भारत देश के लिए, साथ ही रोहित कोहली के लिए, वो सुनकर शायद आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो बटलर के इस बयान का पूरा वीडियो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, जॉस बटलर और बाबर आजम में सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम को जॉस बटलर ने इस तरीके से वर्ल्ड कप से विदाई दी है ना कि भारतीय फैंस का दिल जीत लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की किस्मत आज इंग्लैंड के हाथों ईडन गार्डन्स के मैदान में लिखी जानी थी। वैसे तो वो प्रैक्टिकली बाहर हो ही चुके थे, बस टॉस हारना बाकी था, जो कि आज बटलर जीत गए और जीत कर बल्लेबाजी चुनी, और उसके बाद बल्लेबाजी भी कुछ ऐसी करी कि पाकिस्तान अगले वर्ल्ड कप तक रोएगा उसे याद करके। दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लैंड की तरफ से बेस्टो के 59 हों, जो रूट के 60 रन, बेन स्टॉक्स के 84 हों, हैरी ब्रूस के 17 में 30 हों, या फिर 5 में 15 डेविड विली के हों, 337 रन दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने स्कोरबोर्ड पर जड़ दिए थे और 338 का टारगेट दिया था 50 ओवर के अंदर। जाहिर सी बात है, टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा था और पाकिस्तान की टीम का हौसला बिल्कुल चूहे जैसा, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा टारगेट तो उन्हें बनाना चाहिए था। पर अफसोस, अगर शायद वो टॉस जीतकर बल्लेबाजी भी करते ना, तब भी वो नहीं कर पाते। और फिर तो बाबर आजम की टीम का ऐसा हाल किया गया जैसे कि मानो के सबसे बुरी हार रही है उनकी वर्ल्ड कप में। दोस्तों, 0-1 रन पर फखर जमान और शफीक आउट हो गए थे। इसके बाद 38 पर बाबर, 36 पर रिजवान निपट गए। 51 रन सलमान ने जरूर बनाए, लेकिन इस टीम के ना 180 पर 8 विकेट हो चुके थे और जीतने के लिए 150 रन चाहिए थे 80 गेंदों में। मतलब कि दोस्तों, पाकिस्तान की टीम वहीं इस मुकाबले को हार चुकी थी। एक बड़े अंतर से दोस्तों जीत कर फिर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान के सामने, और भला इससे बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान की और क्या होगी कि टॉस पर तो हारे ही हारे, साथ ही मैच में भी इतनी बुरी तरीके से रगड़े गए। खैर दोस्तों, पाकिस्तान को हराने पर ना बटलर ने बड़ा मजेदार बयान दिया है। आपको बता दें कि भारत देश पर रोहित कोहली पर कुछ ऐसा कह गए कि बटलर के दिल जीत ले गए। दिवाली के शुभ मुहूर्त पर पाकिस्तान को हराने के बाद दोस्तों बटलर ने अपने बयान में कहा, देखिए, हम तो इस पूरे टूर्नामेंट में काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अंतिम लम्हों में हमने अपनी गलतियों को रियलाइज किया और एज अ टीम बढ़कर अपनी अपनी गलतियों को ठीक भी किया, जिसके चलते आपने पिछले हमारे दो मुकाबले देखे कि किस तरीके से हमने कमबैक किया है। और पाकिस्तान को हराना केवल इंग्लैंड की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक किस्म का लक्ष्य भी था। लक्ष्य था 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का टिकट पाने का और साथ ही साथ भारतीय फैंस को खुश करने का। अब हम भी जानते हैं कि यहाँ पर एक शुभ पर्व है और पाकिस्तान की हार का जश्न उस पर्व की खूबसूरती को दोगुना बढ़ा देगा। साथ ही ये भारतीय फैंस ही तो थे जो हर हार के बाद ना हमारा समर्थन करने के लिए मैदान में आते थे। मैंने पहली बार दुनिया में ऐसे फैन देखे होंगे जो अपने देश के साथ साथ क्रिकेट के दूसरे खिलाड़ियों की भी इज्जत करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। आज वाकई में लगा कि भारतीय फैंस जैसे फैंस ना पूरी दुनिया में होने चाहिए। और रोहित कोहली को भी इस पर्व की शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहूंगा कि ये जीत जितनी हमारी है उतनी उनके लिए भी है, क्योंकि पाकिस्तान को हारता हुआ देखना हर कोई चाहता है। और उनसे तो मैं बहुत कुछ सीखा भी हूँ। रोहित और कोहली ने इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारा जितना साथ दिया शायद ही किसी और खिलाड़ी या कोच ने दिया होगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें प्रोत्साहित किया, याद दिलाया कि हम 2019 के विनर हैं और हमें बेहतर करना है, और हमने उसके बाद बेहतर किया भी। उम्मीद है इस बार का वर्ल्ड कप भारत ही जीते, क्योंकि उनसे ही सबसे ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हैं हम सबकी भी। दोस्तों, बटलर का ये बयान पाकिस्तान को हराने के बाद वाकई में दिल छूने वाला है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है वर्ल्ड कप इस बार का कौन जीतेगा अगर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल हो गया तो? आपका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंग्लैंड से हार कर बुरी तरीके से जैसे ही बाहर हुई ना पाकिस्तान की टीम, तो फूट फूट कर रो पड़े थे बाबर आजम, लेकिन जाते जाते वो भारत देश के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पर कोहली रोहित पर कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। क्या कहा दोस्तों बाबर ने, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित, बाबर और कोहली में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, 11 नवंबर का दिन, ये दिन कभी नहीं भूलेगी पाकिस्तान की टीम। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने के लिए आज पाकिस्तान को बहुत सारी कंडीशंस लग रही थी, जिनमें से सबसे पहली कंडीशन ये कहती थी कि पाकिस्तान को टॉस जीतना होगा और जीतकर बल्लेबाजी ऐसी करनी होगी कि इंग्लैंड की टीम उस स्कोर के पास भी ना पहुंच पाए। लेकिन कहते हैं ना, समय से बलवान कुछ नहीं होता, और आज दोस्तों समय पाकिस्तान का नहीं बल्कि इंग्लैंड का था। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के कैप्टन ने टॉस जीता और ऐसी बल्लेबाजी करी ना चुनने के बाद कि जो पाकिस्तान को करनी चाहिए थी। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम की तरफ से आप नाम लीजिए, हर एक खिलाड़ी ने रन बनाए, फिर वो चाहे बेस्टो के 59 रन हो, जो रूट के 60 रन हो, बेन स्टोक्स के 84 हो, या फिर 17 में 30 हैरी ब्रूक के क्यों ना हो, यहां तक कि विली भी 5 में 15 रन लगाकर गए। इतनी तूफानी टी20 जैसी पारियों के दम पर 50 ओवर में 337 रन बन जाएं और 338 रन
पाकिस्तान को इस हाल में दिए जाएं ये कहकर कि आपको लक्ष्य 6 ओवर में चेस करना है तो भला वो टीम रन भी कैसे बना पाएगी। बेचारी पाकिस्तान की टीम के दोस्तों दोनों ओपनर 0/1 पर आउट हो गए थे। बाबर ने भले ही 38 रन लगाए और रिजवान ने 36, लेकिन दोस्तों जब टांगे टूट जाएं तो चलने में मुश्किल तो होती है। वही आज पाकिस्तान के साथ हुआ, 145 पर इनके 6 विकेट गिर गए और बड़ी बुरी तरीके से पाकिस्तान की टीम हार कर पार हुई है। इंग्लैंड की टीम ने जीत से कुछ खास तो पाया नहीं, लेकिन हाँ 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का टिकट उनका सिक्योर हो गया है। लेकिन दोस्तों जो कुछ हुआ है वो हुआ है पाकिस्तान का। बाबर आजम एक ऐसा कप्तान जिसे उसके ही देश के दिग्गज कप्तानी छोड़ने पर कह रहे हैं, एक ऐसा कप्तान जो पूरे वर्ल्ड कप में चल नहीं पाया और अब जब बाहर हुए तो फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन जाते जाते भारत के लिए कुछ ऐसा कहेगा जो आपको सुनना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि बाबर आजम ने अपने बयान में वर्ल्ड कप से बाहर होकर कहा, क्या कहूं कुछ समझ नहीं आ रहा, शब्द कम पड़ेंगे अगर मैं पूरे वर्ल्ड कप को एक छोटे से बयान में बयान करने की कोशिश भी करूंगा। तो देखिए विश्व कप से हर किसी देश की एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा देश दूसरे देश में जाए और वर्ल्ड कप जीत कर लौटे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि घर क्या मुंह लेकर जाऊंगा कि हमारा देश इतनी बुरी तरीके से बीच वर्ल्ड कप में भी हारा और अब इस कदर एक टॉस के फैसले पर हार कर बाहर हो चुका है। यकीनन तौर पर केवल आज के मैच की नहीं बल्कि इस वर्ल्ड कप में हम हर मैच में बहुत घटिया परफॉर्म करते रहे, अपनी गलतियों से सीखे नहीं, और कहते हैं ना कि जो अपनी गलतियों से सीखता नहीं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। इनफैक्ट पूरे टूर्नामेंट में हमने अपनी गलतियों पर कभी काम नहीं किया, जिसके चलते हम लगातार हारते चले गए। और क्या एक टॉस को दोष देना, हम हारे हैं लगातार, बाहर हुए हैं लगातार टूर्नामेंट से पिछले सालों में भी, तो अपनी गलतियों की वजह से। बस इन जिम्मेदारियों को मैं स्वीकारना चाहता हूं और साथ ही साथ जाते जाते रोहित कोहली से लेकर धोनी तक का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो विरोधी टीमों को भी सिखा जाते हैं, और जब हमारे खिलाफ हर कोई था, हमारा देश, हमारे दिग्गज, हमारे फैंस यहाँ तक की, तब भारतीय टीम ने हमारा साथ दिया और साथ ही हमें प्रोत्साहित किया आगे चलकर बेहतर करने के लिए। हमने कोशिश भी की लेकिन अफसोस ऐसा कर नहीं पाए। जाते जाते इतना कहना चाहूंगा, भारतीय फैंस जैसे फैंस मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखे, और जिस जिसने हमें समर्थन किया उसको दिल से धन्यवाद। बस अब तो एक ही तमन्ना है कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीते और अपना तिरंगा लहराए। दोस्तों बाबर आजम इसके बाद रो पड़े और चले गए, वैसे उनका इतना कहना भी दिल जीत ले गया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है भाई, रोहित, बाबर और कोहली में सबसे बेस्ट बैट्समैन कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इंग्लैंड ने पाकिस्तान को करारी धूल चढ़ाकर खिताब जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन गया। यहां तक कि दुनिया भर के दिग्गजों ने भी अपने बयान से लोगों को चौंका दिया, जहां शोएब अख्तर और वसीम अकरम ने तो टीम की हार पर फूट फूट कर रोते हुए बयान दिया, तो वहीं धोनी और गंभीर से लेकर केविन पीटरसन ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आखिर कैसे इंग्लैंड ने दिखाया पाकिस्तान को विश्व कप से बाहर का रास्ता, इन दिग्गजों ने बयान दिया तो हम आपको भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत के साथ फाइनल में कौन सी टीम टकराने वाली है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ यह मुकाबला चमत्कार करके जीतना बेहद जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान टीम इस मैच में पूरी तरह से फिसड्डी हो गई। इंग्लैंड ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए टीम के सामने 337 रनों का लक्ष्य रख दिया। टीम की तरफ से बेन स्टॉक्स ने 84 रन बनाए तो जो रूट ने 60 रनों की पारी खेली, और वहीं बेरस्टो ने 59 रन जोड़े। वहीं इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत ही बेहद खराब हुई। 0 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, फिर क्या इंग्लैंड के गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी कर पाकिस्तान क्रिकेट बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया और मैच को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड की शानदार जीत देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, क्योंकि पाकिस्तान विश्व कप से बाहर हो चुकी थी। उसके सभी खिलाड़ी मैदान में ही फूट फूट कर रो रहे थे, कुछ खिलाड़ियों की आंखों में तो आंसू के समंदर बह रहे थे। उनके अल्लाह ने भी उनका साथ नहीं दिया और पाकिस्तान टीम को इस मुकाबले में शर्मनाक हार मिल गई। पाकिस्तान की यह हार देखकर क्रिकेट के दिग्गज भी हैरान थे और उन्होंने ऐसा कुछ बयान दे दिया जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ बयान में कहा है। वहीं कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा है, पाकिस्तान की किस्मत बेहद ही विश्व कप में खराब रही और उनके खिलाड़ियों ने भी बेहद खराब प्रदर्शन दिखाया है, जिसके कारण पाकिस्तान टीम विश्व कप से बाहर हो गई। पाकिस्तान टीम का घमंड चूर चूर हो गया, ये देखकर पूरा क्रिकेट जगत खुशी से झूम उठा। वैसे भी अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती तो भारत उसे करारी हार का स्वाद चखाकर बाहर कर देता। अच्छा हुआ कि भारत के बिना ही विश्व कप से बाहर हो गई। कप्तान बाबर आजम को टीम की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की हार पर बौखलाते हुए बयान दिया है कि मुझे उम्मीद
नहीं थी कि बाबर आजम टॉस हार जाएंगे और हमारी टीम को विश्व कप से बाहर होना पड़ेगा। हम लोगों की यह बदकिस्मती है कि हम लोग विश्व कप में इस बुरी तरह से बाहर हो गए। मैं अपनी टीम के शर्मनाक हार से बहुत निराश हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम लोगों का विश्व कप में ऐसा प्रदर्शन होगा। इस हार की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान टीम की है, न कि केवल अकेले बाबर आजम की। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी बयान देते हुए भावुक मन से कहा कि मैं अपनी टीम की बदकिस्मती पर बहुत निराश हूँ। मेरी आंखों में आंसू तक आ गए। जब बाबर आजम ने टॉस गवाया मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हमारी टीम ने प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं किया जिसके कारण हम लोगों की हालत ऐसी हो गई। विश्व कप में अगर हमारी टीम शानदार प्रदर्शन की होती तो हम बड़े आसानी से सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेते। वहीं इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भी बयान देते हुए कहा है, पाकिस्तान टीम ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि हम विश्व कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेंगे।